एवरीवन, आई एम प्रज्ञा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ आउटफिट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आप शादियों में, पार्टीज़ में पहन सकते हैं, क्योंकि अब वेडिंग सीजन भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये जो आउटफिट्स हैं ना, ये काफ़ी कम्फर्टेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं, वेडिंग गेस्ट की तरह पहन सकते हैं, घर की शादी है तो भी आप किसी न किसी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं। और मैंने हॉल के साथ लुकबुक भी शेयर किया है कि आप इसे किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, उसका भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। ट्राई ऑन पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे क्लिक करिए। सबसे पहले है मेरे पास ही एक आउटफिट फ्रॉम W। ये देखने में तो बहुत डल सा लगता है। W के कुछ कुछ आउटफिट्स ना काफ़ी डल कलर में आते हैं, पेस्टल कलर है, लेकिन अगर आप कोई डे फंक्शन में जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी डिफरेंट सा है। इसमें आपको कुछ इस तरह का वाइड प्लाजो मिलता है जो कि स्कर्ट का लुक आता है, कुछ इस तरह का आपको वेस्ट मिलता है, पीछे इलास्टिकेटेड है, आगे इस तरह का है। फिर पूरे ही प्लाजो, शरारा तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इसमें लेयरिंग नहीं की गई है, बट ये पहनने में पूरा स्कर्ट घाघरा काइंड ऑफ लुक आता है। कुछ इस तरह से आपको प्रिंट मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पेस्टल कलर्स का। बेस इसका ऑफ वाइट है और इस पर कुछ इस तरह से कलरफुल प्रिंट्स मिल जाते हैं नीचे तक, और फिर नीचे आपको ये चौड़ा सा गोल्डन कलर का बॉर्डर मिलता है, आगे पीछे बिल्कुल सेम है। उसके बाद इसके प्लाजो में ही ना दुपट्टा अटैच्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टिच किया हुआ है, ये स्टिच किया हुआ नेट का दुपट्टा है। मुझे कलर बहुत सुंदर लगा है। बहुत सारे लोगों को बहुत डल लग सकता है, लेकिन मुझे इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं, डे फंक्शंस में काफ़ी अच्छा लगता है, आजकल ट्रेंड में भी है इस तरह का कलर। बॉर्डर में आपको कुछ इस तरह से सीक्वेंस एंड फैब्रिक अटैच किया हुआ है, जगह जगह इस तरह से सीक्वेंस का काम है। फिर ये ऐसे नीचे से चौड़ा आता है, एंड इसकी जो नीचे की साइड है ना, उस पर कुछ ऐसा जरी का एंड देन बॉर्डर है। ये बहुत क्रश्ड आया था, इसको ट्राई ऑन के लिए मैंने थोड़ा बहुत हल्का हल्का आयरन किया है, अदरवाइज ये फुल्ली क्रश्ड आया था। ये कुछ इस तरह का बॉर्डर आता है दुपट्टे के नीचे की साइड में, पूरा जरी का एंड देन सीक्वेंस का काम है। और यहाँ पे ना ये ऐसे स्टिच किया हुआ है तो पल्लू काइंड ऑफ बना हुआ है, और फिर यहाँ से ये पूरा फॉल आता है। यहाँ पे भी बॉर्डर में ऐसे कुछ इस तरह का फैब्रिक अटैच किया गया है, तो ये इसका पल्लू एंड देन ये प्लाजो अटैच्ड है। और इसके साथ ब्लाउज भी है, ब्लाउज कह लीजिए या फिर क्रॉप टॉप कह लीजिए, क्योंकि ब्लाउज की फिटिंग तो नहीं है, बट लुक बहुत अच्छा है। इस तरह से पॉलिस्टर का फैब्रिक है, यहाँ पे आपको पूरा जरी का काम मिलता है, सीक्वेंस है, यहाँ पे भी सीक्वेंस का काम है। इस तरह से स्लीव्स हैं एल्बो लेंथ तक के, यहाँ तक के स्लीव्स आएंगे, और इस पर भी सीक्वेंस का काम है। बैक पोर्शन इसका प्लेन है एंड इसमें ये डोरी दी गई है, लंबी सी डोरी है, एंड देन ये टासल्स हैं। इसमें आपको साइड जिप मिलता है यहाँ पे कुछ इस तरह से। मुझे ना ये एक्चुअली ये साइज है 8, और मुझे इसका ब्लाउज थोड़ा लूज हो रहा है, मुझे लगता है एक्चुअली में ऊपर थोड़ी अच्छी फिटिंग है, नीचे की तरफ थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो शायद ये क्रॉप टॉप वाली फिटिंग है इसलिए ऐसा है। इसको थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक साइज़ छोटा लूँगी तो फिर मुझे लगता है ये ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ये अच्छी फिटिंग तो मुझे ठीक लगी, लेकिन ये ब्लाउज वाली नहीं है, क्रॉप टॉप की फिटिंग है। ये साथ में पहनने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको इस तरह के कलर्स और इस तरह के आउटफिट्स पसंद है तो आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। आप इसको किसी भी डे फंक्शन में कैरी कर सकते हैं, कोई दिन का फंक्शन है या फिर मेहंदी में भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रीनिश काइंड ऑफ कलर है तो आप इसको चला सकते हैं। हल्दी के फंक्शन में भी पहना जा सकता है। साइज़ है ये 8, और ये मुझे रिसीव हुआ है 1354 रुपीज़ में, मुझे लगता है उस प्राइस में काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया है। नेक्स्ट है मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट इंडिया की साड़ी स्कर्ट कह लीजिए या फिर मैक्सी ड्रेस कह लीजिए। अगर आपने मेरे पहले के वेडिंग स्पेशल वीडियोस देखे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं इंडिया के 1 मिनट साड़ी या इस तरह की साड़ी काइंड ऑफ आउटफिट्स मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं। एक तो ये बहुत कन्वीनियंट होते हैं, देखने में डिफरेंट लगते हैं, एंड बहुत ही डिफरेंट सा लुक आता है, कम्फर्टेबल होता है, सुपर कम्फर्टेबल होता है। तो आज का जो है ना, ये थोड़ा सा गाउन काइंड ऑफ लुक है मैक्सी ड्रेस, और फिर उसमें पल्लू आ जाता है, तो ये साड़ी का भी लुक आता है एंड मैक्सी ड्रेस का भी लुक होता है, थोड़ा सा फ्यूजन काइंड ऑफ है। सबसे पहले तो यहाँ पे सामने देख ली वी नेक है, मुझे वी नेक काफ़ी अच्छा लगता है, आई एम श्योर आप सबको अच्छा लगता होगा। एंड देन ये आपको ट्यूनिक मिलता है जिसपे ये हैवी एम्ब्रॉयडरी है, थ्रेड से, सीक्वेंस से, बहुत ही खूबसूरत मटीरियल जॉर्जेट का है, सॉफ्ट वाला जॉर्जेट मटीरियल है। इंडिया के जितने भी 1 मिनट साड़ीज़ हैं ना, वो मोस्टली जॉर्जेट मटीरियल की हैं और बहुत अच्छे मटीरियल की हैं, उनका स्टफ बहुत अच्छा होता है। तो ये यहाँ पे वी नेक आपको यहाँ तक ये पूरा फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड मिलता है। स्लीव्स पे ये बहुत ही प्यारे से टैसल्स, बीड्स एंड ये सब लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लुक आ रहा है। फिर नीचे जब जाते हैं ना, तो ये ऐसे मैक्सी ड्रेस काइंड ऑफ आता है, लेकिन यहाँ से ये पल्लू का प्लीट्स जो होती है ना साड़ी की प्लीट्स, उसका लुक है। ये आपको ट्राई ऑन में अच्छे से समझ में आएगा।
एंड देन फिर यहाँ से आपको ये आँचल मिल जाता है अटैच्ड। ये कुछ इस तरह का इसका आँचल आता है और इसमें ना पीटेल आँचल आता है। ये वाला आँचल बेस्ट होता है, आपको कुछ भी नहीं करना, स्कर्ट जैसा इस केस में ड्रेस जैसा आपको डालना है। यहाँ पे ये प्लीट्स बनी हुई हैं, इस तरह के बटन्स लगे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, इसे कुछ तो कहते हैं। एंड ये फिर आपके गाउन में ट्यूनिक पे ये लगा हुआ रहता है, तो ये बहुत अच्छे से प्लेस हो जाता है और फिर ये आपका फुल आँचल आता है। देखने में बहुत सुंदर लगता है, सुपर कम्फर्टेबल है। इस तरह की काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट 1 मिनट साड़ी या जो भी आप कह लें रेडी टू वेयर साड़ी इंडिया के अवेलेबल हैं। मैंने खुद बहुत सारे शेयर किए हैं, तो आप मेरे पहले के वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उनका लिंक भी डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शादी सीजन के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें इस तरह का बेल्ट दिया गया है, ये बस्ट एरिया के पास ना ये ऐसे बांधेंगे तो बहुत सुंदर लुक आएगा। इसमें इतनी लंबी सी डोरी दी गई है तो आपका वेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसकी क्वालिटी सुपर, एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है इसको। आप अगर अच्छे से स्टाइल कर ले तो आप इसको इजीली रिसेप्शन में, इंगेजमेंट में पहन सकते हैं, शादी के वक्त भी पहन सकते हैं, गेस्ट आउटफिट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बैक में कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे ये बटन दिया गया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। साइज़ ये मीडियम है तो मुझे थोड़ा सा लूज़ होता है क्योंकि इसका स्मॉल साइज़ ना अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने मीडियम मंगा लिया, तो मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, स्मॉल ज़्यादा अच्छे से फिट होता। और ये मुझे रिसीव हुआ है 2000 रुपीज़ में। नेक्स्ट है मेरे पास एक कुर्ता सेट जिससे मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, और मतलब इसके रिव्यूज़ ना काफ़ी मिक्स्ड से थे, तो मुझे लगा कि कैसा होगा, लुक वाइज तो बहुत अच्छा था, बट ये बहुत ही अच्छा आया है। ये रेयन का, और इसका रेयन ना बहुत ही अच्छा फाइन वाला रेयन है। यहाँ पे आपको ये पूरा जरी का काम मिलता है, इस तरह से स्लीव्स पे भी ये बॉर्डर है जरी का, दोनों ही साइड अच्छे से। इन पूरे कुर्ते में ये भी आपको सीक्वेंस इन जरी से छोटे छोटे ऐसे बूटे बने हुए पूरे कुर्ते में आपको नीचे तक मिल जाता है। ये अच्छा स्ट्रेट कुर्ता है, इसका बैक पोर्शन बिल्कुल प्लेन है, एंड दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल, सॉफ्ट है फैब्रिक और देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना। इसका कलर रेड कलर बहुत ही खूबसूरत वाला रेड कलर है, सुपर कम्फर्टेबल है। फिर इसके साथ पैंट्स भी दिए गए हैं, कुछ इस तरह से इलास्टिकेटेड पैंट है, वेस्ट है, एंड देन नीचे की तरफ भी इसमें ये बॉर्डर दिया गया है। ये जो एंकल लेंथ होता है ना, कुछ इस तरह का लेंथ है, मुझे ये एंकल लेंथ तक आता है और बहुत ही क्लासी लग रहा था पहनने में। ऐसा नहीं है कि सूट पहना है तो कुछ भी वैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था, सुपर कम्फर्टेबल भी है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, इस तरह से चंदेरी कॉटन काइंड ऑफ दुपट्टा है इसका। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा मुड़ गया है, ये पूरा वोबन दुपट्टा मिलता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा दुपट्टा है, लुक ना पूरा कंप्लीट कर देता है इस कुर्ता सेट का। ये आप इजीली वेडिंग गेस्ट आउटफिट में यूज़ कर सकते हैं, आराम से पहनिए। शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, घर पे कोई पूजा है, कोई फंक्शन है, आराम से पहनिए। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, देखने में बहुत सुंदर है, कम्फर्टेबल है। एंड ये मेरा साइज़ है मीडियम, लेकिन इसका मीडियम मुझे बहुत अच्छे से फिट होता है, तो मुझे फॉर 1430 रुपीज़ एंड आई लव इट। नेक्स्ट है ये कुर्ता विथ पैंट, लेकिन ये आगे से स्लेट आता है, आप इसे लॉन्ग टॉप कह सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इमेजिन ट्राई ऑन से। दिस इज़ फ्रॉम चेरिसिया, जस्ट 597 रुपीज़ का है, अंडर 600 बहुत ही अच्छा है, और जिस तरह का कॉफ़ी ब्राउन कलर है। यहाँ पे आपको ये पूरा प्रिंटेड फॉयल प्रिंट मिलता है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये वाला, काफ़ी सारे आउटफिट्स में मैं देख रही हूँ। आगे कुछ इस तरह का क्रॉप लुक आता है, एंड देन नीचे पूरा ये श्रग की तरह आता है। ये वाला जो है ये जॉर्जेट का मटेरियल है, एंड बहुत ही अच्छा सॉफ्ट जॉर्जेट है। इस तरह से स्लीव्स मिलते हैं, एंड स्लीव्स पे ये कुछ बेल स्लीव्स काइंड ऑफ पैटर्न है, और इस पे भी आपको फॉयल प्रिंट मिलता है, पीछे बिल्कुल प्लेन। ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, ये भी पहनने में बहुत सुंदर लग रहा था, मॉडर्न काइंड ऑफ लुक आता है, गर्ल्स इजीली कैरी कर सकती हैं। अगर आप बहुत ट्रेडिशनल हैवी नहीं पहनना चाहते तो एक अच्छा ऑप्शन है किसी भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए। ये है इसका बॉटम वेयर, आगे कुछ इस तरह का है और पीछे इलास्टिकेटेड है। ये भी एंकल लेंथ आ जाता है, इस तरह से प्लेन है, एंड यहाँ पे ये गोटा लगा हुआ है। ये जो फैब्रिक है ना, ये पॉलिस्टर क्रेप काइंड ऑफ है, क्रेप तो नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि थोड़ा अच्छा फैब्रिक है, पॉलिस्टर का फैब्रिक है तो बहुत गर्मी में थोड़ा सा सोचना होगा, वैसे ऊपर का फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ऊपर का ये वाला जो पार्ट है ना, ये जॉर्जेट है, एंड देन इसके अंदर ये पॉलिस्टर की लाइनिंग दी गई है, और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो ही पैंट में यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा, ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, एंड कलर की वजह से ना काफ़ी रिच लगता है एक, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अंडर 600 है तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, आई थिंक आप इजीली ले सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस तरह के आउटफिट्स पहनते तो ये बहुत सुंदर रहेगा किसी भी फंक्शन में। साइज़ है ये मेरा स्मॉल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है,
और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। आपका कौन सा फेवरेट आउटफिट है या फिर वीडियो कैसा लगा या फिर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है आपकी, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। इन सब के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो भी चाहिए आप परचेज कर सकते हैं। वहीं पे आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक, मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो करिए, मुझे थोड़ा सा और कनेक्टेड फील करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।